उधर शिमला के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर मीडिया से मुखातिब हुए और 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली भारत बचाओ रैली के बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रही है। इसी संदर्भ में हमने आज अपने पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। हमें दिल्ली से 1000 का टारगेट दिया गया है और जो हमने उत्साह अपने पार्टी के नेताओं में देखा, हम इस टारगेट को जो है एक्सीड करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई, रिसेशन, बेरोजगारी और बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर जो है जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शन किए जो बहुत ज़्यादा सफल रहे। राष्ट्रीय स्तर पर इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये महारैली भी जो केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ हैं उन नीतियों के खिलाफ विरोध स्वरूप जो है की जा रही है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रैली होगी और आने वाले समय में जो देश में सत्ता परिवर्तन होगा उसकी तरफ ये कांग्रेस पार्टी का जो है पहला कदम।